वर्ष 2022 में जलझूलनी पद्मा एकादशी 6 सितंबर 2022 को मनाई जा रही है। यह एकादशी बहुत महत्व की मानी गई है। इसे भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन मनाया जाता है। जलझूलनी एकादशी का महत्व भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जलझूलनी या पद्मा एकादशी कहते हैं। इसके अलावा इसे परिवर्तनी और डोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। धार्मिक मान्यतानुसार कान्हा के जन्म के बाद यशोदा माता ने इसी दिन उनका जल या घाट पूजन किया था, इसलिए इसे डोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। जलझूलनी या परिवर्तनी एकादशी इस वर्ष 6 सितंबर 2022 को मनाई जाएगी। इस एकादशी व्रत से वाजपेय यज्ञ के समान फल मिलता है। समस्त पापों का नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई और उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी पर श्री विष्णु के वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोक पूज्य होते हैं। इसलिए मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को यह एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। जलझूलनी परिवर्तनी पद्मा एकादशी कथा। यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई थी। इसके अनुसार त्रेतायुग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था, लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। तब मैंने वामन रूप धारण करके पांचवा अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। श्री कृष्ण के मुख से इतनी बात सुनकर राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके महाली दैत्य को किस प्रकार जीता? तब श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बनकर बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूवरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, 1 पग से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब 3रा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधिपूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो इस पापनाशक कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होने के साथ ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। परिवर्तिनी एकादशी व्रत तारीख और शुभ मुहूर्त। इस बार जलझूलनी या परिवर्तिनी एकादशी स्मार्ट वालों के लिए 6 सितंबर तो वैष्णवों के लिए 7 सितंबर को मनाई जाएगी। भाद्रपद शुक्ल एकादशी तिथि का प्रारंभ मंगलवार 6 सितंबर 2022 को सुबह 5:54 से शुरू होगा। समापन बुधवार
7 सितंबर 2022 को सुबह 3:04 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। पारण तिथि के दिन हरि वासर समाप्त होने का समय सुबह 8:19 रहेगा। 7 सितंबर बुधवार को पारणा समय सुबह 8:19 से सुबह 8:33 तक रहेगा। वैष्णवों के लिए जलझूलनी या पार्श्व एकादशी दिन बुधवार 7 सितंबर 2022 को रहेगा। वैष्णव एकादशी के लिए पारण समय गुरुवार 8 सितंबर को सुबह 6:02 से सुबह 8:33 तक रहेगा। एकादशी व्रत पूजा विधि। एकादशी का व्रत दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाता है, अत ब्रह्मचर्य का पालन करें। जलझूलनी एकादशी के दिन सुबह स्नानादि और दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसी दिन दोल ग्यारस होने के कारण भगवान विष्णु एवं बालरूप श्री कृष्ण की पूजा करना चाहिए। स्नान करने के बाद एकादशी व्रत का संकल्प लें। परिवर्तिनी एकादशी की पूजा आरंभ करें। भगवान श्री विष्णु तथा कान्हा को पंचामृत गंगाजल से स्नान करवा कर कुमकुम लगाएं। श्रीहरि अर्थात कमलनयन भगवान का कमल के पुष्प से पूजन करें, फिर पीली वस्तुओं से पूजन करें। पूजन करते समय पीले पुष्प, तुलसी, मौसमी फल और तिल का उपयोग अवश्य करें। एकादशी तथा वामन अवतार की कथा सुने अथवा पढ़े। धूप दीप जलाकर आरती करें। भगवान विष्णु तथा कान्हा की स्तुति करें। इस दिन विष्णु के अवतार वामन देव का भी पूजन करें। इस दिन रज्जगा या रात्रि जागरण करते हुए श्री विष्णु और श्री कृष्ण की आराधना करें। अगले दिन पुनः भगवान का इसी तरह पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करवा कर दान दक्षिणा दें। अब व्रत का समापन करें। फिर द्वादशी तिथि पर विधिपूर्वक व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत मंत्र। कृण कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरि क्ली श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय श्री 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 ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम विष्णवे नमः। ओम नमो नारायण। श्री मन नारायण नारायण हरि हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तुलसी की माला से कम 108 बार एक माला या अधिक से अधिक जाप करें। इस तरह भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन शुभ मुहूर्त में भगवान का पूजन अर्चन तथा व्रत उपवास करने से ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन होने की मान्यता है। इस जलझूलनी या पार्श्व एकादशी व्रत से व्रतधारी भगवान के समीप जाते हैं। ऐसे ही कथाओं और शुभ मुहूर्त को जानने के लिए प्रमुग्धा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।